नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राहु केतु के राशि परिवर्तन के विषय में। राहु केतु का राशि परिवर्तन 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक के लिए मेष और तुला राशि में होने जा रहा है। यह परिवर्तन 12 अप्रैल 2022 को प्रातः 10:36 से मेष राशि में राहु ग्रह चले जाएंगे और तुला राशि में केतु ग्रह गोचर करेंगे। तो ये जो राहु केतु ग्रह है, ये जब अपना स्थान परिवर्तन करेंगे या राशि परिवर्तन करेंगे तो ये मेष लगन वाले जातकों के लिए क्या प्रभाव प्रदान करेंगे, क्या रिजल्ट प्रदान करेंगे और इसके साथ साथ क्या उपाय करना चाहिए इन्हें इस समय अंतराल के अंदर, इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आपका लगन मालूम होना चाहिए। मेरे जितने भी वीडियो हैं सब लगन के आधार पर आधारित हैं, तो आपको आपका लगन मालूम होना चाहिए। अपना लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है आप उसे खोल करके देखेंगे, उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियां होंगी और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली और या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में लय लिखा हो, लगन का पहला अक्षर या एएससी असेंडेंट लिखा हो या यहाँ लिखा होगा और यहाँ पर एक अंक लिखा होगा। अगर एक अंक लिखा है तो आपका मेष लगन है, एरिस असेंडेंट है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं राहु ग्रह जब मेष राशि में आ जाएंगे और इसके साथ साथ केतु ग्रह आपके सेवेंथ हाउस में आ जाएंगे तो ये क्या रिजल्ट प्रदान करेंगे। देखिए, यहाँ पर राहु और केतु का आना मेष लगन वाले जातकों को उन्हें उनके कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करेगा। इसके साथ साथ अगर मेष लगन वाले जातक कोई पार्टनरशिप इत्यादि करते हैं जहाँ, तो उस पार्टनरशिप के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम ये यहाँ पर दिखा सकता है। पार्टनरशिप के अंदर कुछ धोखा हो जाना, कुछ मनी लॉस हो जाना, कुछ नेम फेम खराब हो जाने जैसी स्थिति यहाँ पर प्रदान करता है। इसके साथ साथ जब ये राहु ग्रह यहाँ पर लगन में आ जाएंगे तो उस समय पर मेष लगन वाले जातक अपने कार्यों को सभी प्रकार के कूटनीतिक तरीकों को यूज करके करने का प्रयास करेंगे। इस समय के अंदर ये देखेंगे कि इनके मन के अंदर या दिमाग के अंदर एक कूटनीति भरी बातें बहुत अधिक मात्रा में चलती हुई दिखाई देंगी। ये अपने प्रत्येक कार्य को पूर्ण कराने के लिए साम दाम दंड भेद का प्रयोग करने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर मेष लगन वाले जातकों के सिर, आंख, नाक, कान में दर्द होना, ज्यादातर सिर में और माथे में दर्द जैसी स्थिति यहाँ पर बनती दिखाई देती है, तो उसके लिए केयरफुल रहना चाहिए। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर मेष लगन वाले जातकों को उनके सिर में चोट चपेट लगने जैसी स्थिति भी यहाँ पर दिखाई देती है, तो उसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। इसके साथ साथ इस समय में जो मेष लगन वाले जातक हैं ये अपने धन कर्म के कार्यों को सटीकतापूर्ण से नहीं कर पाएंगे, उसमें कोई ना कोई व्यवधान आता रहेगा। मान लीजिए आज उन्हें कहीं मंदिर में या किसी पूजा अनुष्ठान में सम्मिलित होना था तो अचानक से कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी जिसकी वजह से वे धार्मिक स्थल पर ना जा पाए, पूजा पाठ इत्यादि को या जो भी कोई अनुष्ठान है उसे ग्रहण ना कर पाए, ऐसी स्थिति यहाँ पर क्रिएट होती दिखाई देती है। इसके साथ साथ जब यहाँ पर राहु ग्रह आएंगे तो ये यहाँ पर एक प्रकार का पितृदोष का भी निर्माण करेंगे। इसके लिए पितरों की शांति के लिए ये हमेशा मेष लगन वाले जातक जो है अपने पितृ स्थान पर जाते रहे, पितरों के नाम से कुछ दान पुण्य इत्यादि करेंगे तो यहाँ पर लाभ प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके बाद अब बात करेंगे राहु ग्रह की दृष्टियों की। जब राहु ग्रह की पांचवी दृष्टि आपके 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि आपके फिफ्थ हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर अगर आप स्टूडेंट हैं और कोई एजुकेशन ले रहे हैं तो इस समय अंतराल के अंदर ये आपको आपकी एजुकेशन के अंदर प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाता है। आपकी एजुकेशन किसी प्रकार से खराब हो सकती है, आपका जो एजुकेशन का पैटर्न है वो बदल सकता है इस समय अंतराल के अंदर। इस समय अंतराल के अंदर आपको अपनी एजुकेशन के ऊपर 110% फोकस करके कार्य करना चाहिए। अदरवाइज ऐसी स्थिति के अंदर जब राहु की एस्पेक्ट आपके एजुकेशन के हाउस पर होती है, इस समय में आपके द्वारा याद किया हुआ जो आपने 101% याद किया था जब आप एग्जाम रूम में जाएंगे या किसी एग्जामिनर के सामने जाएंगे तो वही क्वेश्चन जो आपको आता है उसका आंसर आप भूल जाएंगे, ऐसी स्थिति यहाँ पर देखी गई है। अपने अनुभव से जो हम बता रहे हैं तो उसके अनुसार आप अपना 110% एफर्ट लगाए तब जा करके आपको हम कह सकते हैं कि 70-80% तक चीजें याद रह पाएंगी। तो इसलिए आप अपने एजुकेशन का ध्यान रखिए। इसके साथ साथ अगर इस समय में आप कोई नया सब्जेक्ट या
नया कोई एजुकेशन लेना चाहते हैं या अपने कार्य आगे फ्यूचर के या करियर के विषय में आप कोई प्लानिंग करना चाहते हैं, तो इस समय के अंदर आप किसी की एडवाइस लेकर के, किसी एस्ट्रोलॉजर की, अच्छे एस्ट्रोलॉजर की एडवाइस लेकर के करेंगे तो लाभदायक रहेगा। अदरवाइज इस समय अंतराल के अंदर आपके बुद्धि भ्रमित हो जाने की यहाँ पर संभावना रहती है। इसके अंदर आपको जाना किसी डायरेक्शन में था और आप पहुंच किसी डायरेक्शन में जाएंगे। ये जो समय अंतराल है, इस समय अंतराल के अंदर आपका एजुकेशन में कुछ ना कुछ व्यवधान होना, इसके साथ साथ गलत ट्रैक पर आ जाना, ऐसा यहां पर प्रतीत होता है। तो उसके गैप खुल रहे हैं। इसके साथ साथ जो मेष लगन वाले जातक, इनके जो संतान है, उन्हें भी अपनी संतान के लिए केयरफुल रहना चाहिए। संतान के कोई चोट चपेट लगने की संभावना बनती है। इसके साथ साथ उनकी एजुकेशन के ऊपर विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज इस समय में मेष लगन वाले जातकों को उनके उनके जो उनकी जो संतान है उसकी एजुकेशन के लिए कोई प्रॉब्लम देखनी पड़ सकती है। इसके साथ साथ जो मेष लगन वाले जातक हैं, इस समय में अगर संतान को कंसीव कराना चाह रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पर राहु ग्रह कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इस समय अंतराल के अंदर उन्हें किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से एडवाइस लेकर के अगर वे कार्य करेंगे, कुछ दान पुण्य इत्यादि करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर मेष लगन वाले जातक कोई क्रिएशन आदि से या क्रिएटिविटी से जुड़े कार्यों को करते हैं तो उसके अंदर भी राहु ग्रह कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल यहाँ पर प्रदान करते हैं। परंतु एक अच्छी खबर भी यहाँ पर राहु ग्रह देते हैं, उसके विषय में आप देखें। इस समय अंतराल के अंदर राहु ग्रह की जब फिफ्थ एस्पेक्ट इनके फिफ्थ हाउस पर आती है मेष लगन वाले जातकों के, इस समय अंतराल के अंदर ये शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज और निफ्टी इत्यादि के अंदर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह की एस्पेक्ट से आपको धन लाभ प्राप्त होना, अनएक्सपेक्टेड गेन जिसे कहते हैं, सभी प्रकार के जो भी अनएक्सपेक्टेड गेन है उन्हें आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर राहु ग्रह की दृष्टि बताती है। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह की सातवीं दृष्टि की। जो राहु ग्रह की सातवीं दृष्टि जब आपके सेवेंथ हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से अच्छे प्रकार के रिलेशन बनाने चाहिए, परंतु रिलेशन इस समय में अच्छे नहीं बन पाएंगे, उनके अंदर कोई व्यवधान आ सकता है। और इसके साथ साथ इस समय में अगर आप कोई बिजनेस करते हैं और उसमें आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं तो वहां पर बिजनेस पार्टनर से डिस्प्यूट होने की भी संभावना प्रकट होती है। और इस समय अंतराल के अंदर अगर आप कोई नया कार्य स्टार्ट करते हैं और उसमें कोई बिजनेस पार्टनर आप साथ में रखना चाहते हैं तो उसके लिए पर्याप्त समय नहीं है। यह बिल्कुल भी उचित समय नहीं है कि किसी बिजनेस में पार्टनर को ऐड किया जाए। और अगर आप पुराने समय से कोई बिजनेस करते आ रहे हैं तो उसके अंदर भी आपका जो बिजनेस पार्टनर है उसका थोड़ा सा आप ध्यान रख करके कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। अदरवाइज आपका बिजनेस पार्टनर आपको किसी न किसी प्रकार से लॉस पहुंचा सकता है, इसके लिए आप केयरफुल रहें। हाँ, एक अच्छी चीज यहाँ पर राहु ग्रह बताते हैं, अगर आप अच्छे कार्य करते हैं, दान पुण्य इत्यादि करते हैं तो पब्लिक में आपका नेम फेम बढ़ जाना, आपका नेम फेम बढ़ा रहना, आपकी कंपनी का नेम फेम होना, चारों तरफ आपकी वाहवाही होना, ये सब चीजें यहाँ पर राहु ग्रह पॉजिटिव देते हैं। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह की नवी दृष्टि की। सात आठ नौ नवी दृष्टि जब राहु ग्रह की, एक मिनट, राहु ग्रह की नाइन्थ एस्पेक्ट जब आपके नाइन्थ हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर जो मेष लगन वाले जातक हैं अगर वे एब्रोड जाना चाहते थे, नहीं जा पा रहे थे, तो इस समय अंतराल के अंदर वे एब्रोड जा पाएंगे। और अगर आपने वीजा इत्यादि के लिए अप्लाई करना है तो ये समय आपके वीजा एप्लीकेशन दाखिल करने के लिए या सबमिट करने के लिए बहुत ही उचित समय रहने वाला है। इस समय का आप लाभ प्राप्त करें। परंतु यहाँ पर एक एक जो निगेटिव चीज बताते हैं राहु ग्रह की जो नाइन्थ एस्पेक्ट यहाँ पर पड़ती है, ये बताती है आपको किसी भी प्रकार के पूजा पाठ इत्यादि के कार्यों से, धर्म कर्म के कार्यों से ये अलग करते हैं। अगर आप कोई पूजा पाठ या कोई अनुष्ठान करते हैं तो उसमें आपकी उपस्थिति होना मुश्किल कर देते हैं, आपको फॉरेन इत्यादि जाने का अवसर यहाँ पर प्रदान होता है और कोई अधिक दूरी की यात्रा ये आपको अवश्य करा सकते हैं। समय आपके लिए लाभदायक रहेगा और आप अपने सभी प्रकार की योजनाओं को प्रयोग करके आप अपने भाग्य का लाभ यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था राहु ग्रह के बारे में। अब बात करते हैं केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह जब आपके सेवेंथ हाउस में आए हैं तो ये तुला राशि में आए हैं तो ये बताते हैं आपका जो स्पाउस है थोड़ा सा धार्मिक विचारों का हुआ होगा, धर्म कर्म को करना, आपका स्पाउस, बिजनेस पार्टनर, पार्टनर, लाइफ पार्टनर, ये सब इस समय अंतराल के अंदर थोड़े से धार्मिक विचारों के होंगे। कुछ धर्म कर्म करना, कुछ ओकुल्ट साइंस करना, कुछ ब्लैक मैजिक इत्यादि करना, इस तरह की चीजों को ये इस समय में करके अपने कार्य को पूर्ण कराने का प्रयास कर सकते हैं। तो उसके लिए आप केयरफुल रहें।
इसके बाद बात करेंगे राहु केतु ग्रह की पांचवी दृष्टि की, एक दो तीन चार पांच। केतु ग्रह की पांचवी दृष्टि जब आपके 11th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर जो आपके सिबलिंग्स हैं या आपके बड़े भाई बहन हैं वे भी कुछ धन इत्यादि आपसे ले सकते हैं या आप उनसे कुछ धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर साइन बताता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर इसके बाद एक दो तीन चार, हाँ, आपका नेम फेम बढ़ने की यहाँ पर संभावना केतु ग्रह दिखाते हैं। आपकी चीजों में वृद्धि होना हो सकता है इस समय अंतराल के अंदर। कोई आप एक मिनट 7 8 9 कोई लंबी दूरी की यात्रा या कोई एंजॉयमेंट फुल यात्रा या पार्टी इत्यादि आप कर पाए इस समय में। अगर आपका कोई मित्र एब्रोड रहता है तो आप उसके माध्यम से कुछ लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर केतु ग्रह की दृष्टि बताती है। इसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह की जब सातवीं दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपके मन के अंदर तो धर्म कर्म के कार्यों को करने की इच्छा होगी परंतु हाथों से आप किसी कार्य को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर ऑब्स्टेकल लगने वाली बात हो जाती है, परंतु मनन करना, चैंटिंग करना, मन ही मन किसी मंत्र का उच्चारण करना ये आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ किसी भजन इत्यादि को गुनगुनाना ये आपके लिए बेहतर रहेगा जिससे कि इस राहु केतु की जो निगेटिविटी है ये यहाँ पर शांत होकर के आपको लाभ प्रदान कर पाएगी। इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह की नवी दृष्टि की 7 8 9। नवी दृष्टि जब आपके थर्ड हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है आपको कोई धार्मिक यात्रा, अचानक से कोई यात्रा, धार्मिक यात्रा, छोटी दूरी की यात्रा करने का अवसर भी प्राप्त होगा। इसके साथ साथ देखिए थोड़ा ऑब्स्टेकल आएगा परंतु यात्रा आप कर पाएंगे ये यहाँ पर पक्का है। इसके बाद में आपके जो नौकर चाकर हैं इस समय अंतराल के अंदर वे भी कुछ धार्मिक कार्य कर सकते हैं, धार्मिक आयोजन उनके यहाँ भी हो सकता है, ऐसा भी देखा जा सकता है। परंतु इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप अपने नौकर चाकर का अच्छा सुख प्राप्त कर पाएंगे, ये आपके लिए बेहतर समय बना हुआ है। तो ये था राहु केतु के राशि परिवर्तन का मेष लगन वाले जातकों के लिए प्रभाव का वर्णन। अब बात करते हैं कि इन स्थितियों से जो निगेटिव स्थितियां हैं इनसे बचने के लिए क्या उपाय किया जाए। तो मेष लगन वाले जातक या एरिस असेंडेंट वाले जातक इस समय अंतराल के अंदर एक चांदी की ठोस गोली बनवाकर अपने पास रख सकते हैं। इस गोली को अगर अपने पास रखेंगे तो राहु केतु की जो निगेटिविटी है वो काफी हद तक शांत होकर के आपको आपके जीवन में उन्नति प्रदान करेगी, सभी प्रकार की सफलता आप प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था मेष लगन वाले जातकों के लिए राहु केतु के राशि परिवर्तन का फल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।